तो आइए सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग कुछ स्पेशल रूल्स में पढ़ रहे थे, जिसमें यूज्ड टू के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, यूज्ड टू सिंपल पास्ट टेंस में यूज्ड टू के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका प्रयोग जो है सिंपल पास्ट टेंस में हैबिट को दिखाने के लिए किया जाता है, आदत को दिखाने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसका आज हम लोग इसी का निगेटिव सेंटेंस जानेंगे। जैसे निगेटिव सेंटेंस का दिया हो तो कैसे बनाया जाता है, और निगेटिव सेंटेंस तो निगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं। जैसे दिया हो कि वह पत्र नहीं लिखा करती थी, ठीक है, वे लोग क्रिकेट नहीं खेला करते थे, क्रिकेट नहीं खेला करते थे, ठीक है, बच्चे अंग्रेजी नहीं बोला करते थे, ओके। तो यहां देखिए निगेटिव सेंटेंस है इसमें, तो इसमें भी हैबिट का बोध हो रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग जो है दो तरह से बना सकते हैं, दो स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए इसका क्या होता है, रूल टू ट्रांसलेट। इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस नॉट प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इस तरह के स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस नॉट प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। या एक स्ट्रक्चर दूसरा भी है जो इस पे भी बनाया जा सकता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, क्या बनाएंगे, डिड नॉट, इसमें डिड नॉट लगा देंगे और डिड नॉट के बाद से यूज टू का प्रयोग करेंगे प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। ये दोनों सब्जेक्ट स्ट्रक्चर से हम लोग इस सेंटेंस को बनाते हैं। अब इसको बना लीजिए, तो कहता है कि वह पत्र नहीं लिखा करती थी, तो सी यूज्ड नॉट इसी पे बना देते हैं, सी यूज्ड नॉट, उसके बाद से टू, ये जो क्या है वर्ब को लिखना राइट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है अ लेटर, राइट अ लेटर, ओके। या ऐसी सेंटेंस को ऐसे ही बना लीजिए और करके कि सी डिडंट, इसको डिडंट भी लिख सकते हैं, डिड नॉट को डिडंट, उसके बाद से यूज टू राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। तो ऐसे सेंटेंस जो है हम लोग बनाते हैं। आगे देखिए इसी का दो सेंटेंस जो दिया है, अब इसको आप लोग, वे लोग क्रिकेट नहीं खेला करते थे, इसको बना देंगे दे यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चे अंग्रेजी नहीं बोला करते थे, तो दी चिल्ड्रेन यूज्ड नॉट टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो ये रहा सिंपल पास्ट टेंस में स्पेशल रूल में यूज्ड का प्रयोग करके निगेटिव सेंटेंस ऐसे बनाते हैं। तो इसे नोट कीजिए, इसके बाद से फिर हम लोग देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसे कैसे बनाया जाता है। तो इसे पहले नोट करें,
आइए देखते हैं इसमें कि इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या जो बनेगा वो कैसे बनेगा, इसका वाक्य कैसा होगा। तो सबसे पहले एग्जांपल इसका देख लेते हैं कि क्या वो पढ़ा करता था, क्या वो पढ़ा करता था, क्या आप लोग अंग्रेजी सीखा करते थे, क्या आप लोग अंग्रेजी सीखा करते थे, क्या उसके दोस्त लोग, क्या उसके दोस्त लोग गीत गाया करते थे, क्या उसके दोस्त लोग गीत गाया करते थे, क्या उसकी वहां खाना नहीं बनाया करती थी। तो ये जो सेंटेंस है देखिए, इसमें सब तो स्टार्ट क्या से हो रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया और करता था, जाया करता था, पढ़ा करता था, तो ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। ओके, तो अब इसमें बनाएंगे कैसे, तो देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। रूट टू ट्रांसलेट, इसका रूट टू ट्रांसलेट जो होता है वह दो तरह से हम बना सकते हैं इसको। तो देखिए, इसको या तो आप डिड से बना लीजिए, नॉट दिया है तो लगा देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद यूज टू प्लस डी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, या दूसरा इसका हो जाएगा यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, ये दो तरह से आप इस वाक्य को बना सकते हैं। तो इसमें आप जो भी चाहें, जिस स्ट्रक्चर से बनाना चाहें, उस स्ट्रक्चर को आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस कहता है कि क्या वो पढ़ा करता था, तो हम इसी पे बना देते हैं कि डिड ही यूज टू रीड क्वेश्चन मार्क, क्या आप लोग अंग्रेजी सीखा करते हैं, तो ये किस पे बना देते हैं, यूज्ड यू टू लर्न इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इसे नोट कीजिए, तो आइए सेकेंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, क्या उसके दोस्त लोग गीत गाया करते थे। तो यहाँ पे आप जो है डिड से बनाना चाहें तो डिड से बना सकते हैं, डिड हिज फ्रेंड्स डिड हिज फ्रेंड्स यूज टू सिंग ए सॉन्ग। ये हो गया। नेक्स्ट है, क्या उसकी बहन खाना नहीं बनाया करती थी, तो इसे भी बना देंगे, डिड हिज या हर सिस्टर नॉट यूज टू कुक फूड, यू नॉट यूज टू कुक फूड। तो ये आपका रहा किसी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंपल पास्ट टेंस का हैबिट वाला यूज टू का प्रयोग करके बनाने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहा। इसे आप लोग जो है कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद से इसमें WH वर्ड्स है, इसे भी आज हम लोग देख लेते हैं, तो इसे नोट कीजिए।
चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि WH वर्ड्स वाले वाक्य कैसे बनते हैं। तो पहले देख लेते हैं एग्जांपल कि वह कब मंदिर जाया करती थी। तुम क्यों झूठ बोला करते थे। वे लोग कहाँ रहा करते थे। वे लोग कहाँ रहा करते थे। तो ये जो है WH वर्ड हो गया। इसको जो है दो तरह से हम बना सकते हैं। सबसे पहले देख लीजिए WH वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस यूज्ड टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक यह स्ट्रक्चर पे आप बना सकते हैं या एक स्ट्रक्चर इसके लिए और है WH वर्ड्स प्लस यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक ये स्ट्रक्चर है। इन दोनों में किसी से बना सकते हैं आप लोग। तो चलिए इसको देखते हैं कि वो कब मंदिर जाया करती थी। तो वेन उसके बाद से क्या है डिड या डब्ल्यू एच वर्ड हो गया वेन। वेन डिड सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है वह। यहाँ पे हो जाएगा सी। उसके बाद नॉट नहीं है यूज टू। इसमें यूज टू दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जाना वो ऑब्जेक्ट में टू मंदिर टेम्पल। ओके तो क्या बना देंगे वेन डिड सी यूज टू गो टू टेम्पल। वह मंदिर कब जाया करती थी। इसके बाद से तुम क्यों झूठ बोला करते थे। तो इसको बना देंगे इस स्टेप पे बना स्ट्रक्चर पे बना दीजिए कि वाई यूज्ड इसके बाद सब्जेक्ट यू। उसके बाद से नॉट नहीं है टू है। टू के बाद वर्ब है झूठ बोलना टेल लाई। ठीक है तो वाई यूज्ड यू टू टेल लाई। तुम झूठ क्यों बोला करते थे या ऐसे सेंटेंस को डिड लगा कर भी बना देंगे। जैसे यहाँ का था वे लोग कहाँ रहा करते थे। तो कहाँ WH वर्ड हो गया where did they used to live। ठीक है तो यहाँ देखिए जिसमें did लगेगा वहां यूज का प्रयोग होगा। भर्ब ऑन लगेगा डी नहीं लगेगा यूज नहीं लगेगा। लेकिन जहां डिड नहीं लगा है उसमें देखिए यहाँ यूज का प्रयोग हुआ है जो पास्ट टेंस को दिखाता है। ठीक है जी टू है यूज का भर्ब टू है। तो ये दोनों तरह से आप इसको सेंटेंसेस को बना सकते हैं हैबिट वाले सेंटेंसेस को। तो ये आपका कंप्लीट हुआ सिंपल पास्ट टेंस यूज टू। ठीक है इसके बाद से हम लोग मिलेंगे आप लोग आपका ये कंप्लीट होने के बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है जिसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो आज तक इतना ही। गुड बाय।